हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? टुडे आई टीच यू सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। नाउ स्टार्ट। आज मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 8 का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। जो छोटे छोटे बैक्टीरिया, कीटाणु हैं, वायरस हैं या जीव जंतु हैं, वे किस प्रकार से हमारे मित्र हैं, कुछ हमारे मित्र हैं और कुछ हमारे शत्रु हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा जो मेन पॉइंट्स हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। लर्निंग टारगेट्स इन दिस चैप्टर, यू विल लर्न अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें सबसे पहला स्टेप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव के बारे में। सेकेंड, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, ये छोटे छोटे जीव जंतु सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। थर्ड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम। ठीक है, एंड अगला पॉइंट है फूड प्रिजर्वेशन, भोजन का परिरक्षण। एंड लास्ट पॉइंट, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण और नाइट्रोजन चक्र। ठीक है, इसका लास्ट पॉइंट है। बट इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन हो जाए, समझ लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर के अंदर क्या दिया है, ये पूरा विषय क्या है। ऐसे बता चुका ऊपर आपको मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये किस प्रकार से हमारे, कुछ हमारे इसमें मित्र हैं और कुछ हमारे शत्रु हैं। जो हमें लाभदायक हैं वे हमारे मित्र हैं, जो हमें हानि पहुंचाते हैं हमारे शत्रु हैं। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन। देयर आर अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अवर प्लैनेट, हमारे ग्रह पर, हमारी पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म, बहुत सारी किस्मों के, बहुत सारे प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन एयर, ये ऑर्गेनिज्म हवा में भी हैं। ये सूक्ष्म जीव कहाँ हैं? हवा में भी हैं, वाटर एंड सोइल, जल में भी हैं और जमीन पर भी हैं, मिट्टी में भी हैं। Some of these organisms are so small that we can not see them with our unaided eyes. ऐसे जीव जंतु, इतने छोटे जीव जंतु हैं जिनको हम बिना कृत्रिम आँखों के, अर्थात ऐसे ग्लास के हम नहीं देख सकते, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। द व्यू एक्सट्रीमली स्मॉल ऑर्गेनिज्म, वी नीड ए मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोस्कोप, इन जीव जंतुओं का अध्ययन करने के लिए, इनको देखने के निरीक्षण करने के लिए हमें एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है जिससे हम किसी छोटे से एनिमल, छोटे जीव जंतु को बड़े रूप में देख सकें। उस उपकरण को, उस इंस्ट्रूमेंट को माइक्रोस्कोप कहते हैं, हिंदी बोलने से सूक्ष्मदर्शी। स्टूडेंट्स, दोज विद एक्सट्रीमली स्मॉल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसी प्रकार इन सभी छोटे छोटे जीव जंतुओं को, जिनको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, सूक्ष्म जीव कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेस वाइट पैच ऑन ब्रेड, ब्रेड के ऊपर दिखाओ अपना, हमने ब्रेड होता ना, ब्रेड किस ब्रेड से, उसके ऊपर ग्रेश वाइट, स्लेटी सफ़ेद पैचेस कुछ धब्बे से बन जाते हैं ऑन ब्रेड्स, ब्रेड के ऊपर, रोटी के ऊपर, वो क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अति सूक्ष्म जीव है। ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ए टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म।
मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सिंगल सेल और दे हैव वेरी फ्यू सेल्स. माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरिया एल्गी फंजाई प्रोटोजोआ. अधिकतर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल एक कोशिकीय प्रणाली होते हैं जिनमें बैक्टीरिया एल्गी फंजाई एंड प्रोटोजोआ. ठीक है, प्रोटोजोआ होता है एक कोशिकीय प्राणी. प्रोटो मींस पहला, जोआ मींस जंतु. ठीक है, पहला जंतु. वायरस आर ऑफ्टन इंक्लूड इन दिस इन द लिस्ट थ्रू हाउ द दे आर अनलाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए सर्टेन वे एंड अन्य दूसरे जीव जंतु. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी डिफाइंड एज दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच की सीन ओनली थ्रू ए पावरफुल माइक्रोस्कोप. दे आर आल्सो कॉल्ड माइक्रोब्स. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव अलोन एंड सम लिव इन ग्रुप. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी डिफाइंड एज दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन बी सीन ओनली थ्रू ए पावरफुल माइक्रोस्कोप. इन सभी को बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप बोल सकते हैं, उसके द्वारा ही देखा जा सकता है. दे आर आल्सो कॉल्ड माइक्रोब्स, इनको हम माइक्रोब्स कहते हैं. ठीक है, सूक्ष्म द्रव्य कहते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव अलोन एंड सम लिव इन ग्रुप. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सिंगल रह सकते हैं, अकेले रह सकते हैं, और कुछ इसमें से ग्रुप के रूप में. ठीक है, किसके रूप में? ग्रुप्स के रूप में समूह बनाकर रहते हैं. स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. कल हम कराएंगे आपको इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, बाय, टेक केयर.